हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू प्याज की कचौड़ी, जो है राजस्थान में बहुत ही फेमस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब चलो हम हमारा आटा लगाते हैं। ये है 2 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम डालेंगे 1/3 कप ऑफ घी और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जब आपकी ऐसी शेप बनने लग जाए, आटे की ऐसे बाइंड होने लग जाए, तो फिर आप पानी डालकर गूंद दें। तो चलो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें क्योंकि हमने एक सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक सेमी सॉफ्ट डो जो है वो लगा दिया है। और मैंने इतना पानी लिया था और इससे आधा भी नहीं यूज़ हुआ, उससे कम ही यूज़ हुआ है। सो अराउंड 180 ml पानी यूज़ हुआ है। तो अब हम गीले मलमल के कपड़े से इसे ढक देंगे और करीब 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कचौरी की फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो ये है 4 मीडियम साइज बॉइल पोटैटोज जो हमने काट लिए हैं छोटे पीसेस में, और ये है 2 मीडियम साइज अनियन, और हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ इन ऑल माई रेसिपीज़। और ये है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, चॉप्ड कोरिएंडर, 1 बड़ा चम्मच ब्लैक पेपर, और ये है चॉप्ड जिंजर और 2 ग्रीन चिली, और ये है बेसन। मैंने एक ये वाला स्पून लिया है बेसन को मेजर करने के लिए। और ये है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और ये है स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, और ये है 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर। चलो अपनी फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। तो अब हम इसे गर्म होने देंगे, फिर अपने ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डालेंगे। तो अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो चलो अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। पहले हम डालेंगे अपना जिंजर और ग्रीन चिली। और फिर साबुत धनिया और सौंफ, और फिर हींग और जीरा, और इसे अच्छे से इनको अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमारे ये मसाले जो हैं वो भून गए हैं। तो अब हम डालेंगे अनियन। इसे अच्छे से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हमें इसे भूनना है। अच्छे से हिला लेंगे। अब हमारे ये जो प्याज है वो हमने भून लिए हैं। तो अब हम डालेंगे एक ये वाला सर्विंग स्पून ही यूज़ कर रही हूँ मैं, एक ये वाला चम्मच बेसन, और फिर चीनी और गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और नमक, और फिर हम इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना रिच कलर आया है, और हमने जो वो बेसन डाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम पोटैटो मिक्स करेंगे अपने। Thank you.
अगर आप अपना पैन नॉन स्टिक लें तो अच्छा है, क्योंकि फिर कलर ज़्यादा अच्छा है। हमारे ये पोटैटो जो हैं वो अच्छे से हमने कर लिए हैं मिक्स इसमें, और अब हम काली मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास ये ब्लैक पेपर ग्राइंडर नहीं है तो आप इसी हुई काली मिर्च ले लें। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे लास्ट टच देंगे और हम अपना चॉप कोरिएंडर जो है वो उसमें डालेंगे। आप कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स देखिए हमारी जो फिलिंग है कितनी अच्छी लग रही है, चटपटी फिलिंग हमारी जो रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में या आप एक बाउल में निकाल दो ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स हमारा जो फिलिंग थी वो ठंडी हो गई थी, तो हमने ऐसे इसके छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं और अपने आटे को भी ऐसे छोटे छोटे लोइयाँ बना ली इसकी। तो मैं आपको एक बना कर दिखा दूँगी। पहले इसको एक कप की शेप में ऐसे कर लो, फिर इसमें अपनी फिलिंग वाली जो बॉल है वो डाल देंगे। तो हमने ऐसी एक कप की शेप में बना लिया है और मैंने अपनी जो फिलिंग की बॉल है वो डाल दी है। तो हम इसे ऐसे कवर कर लेंगे अच्छे से। ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे पिंच करते जाएं और अपनी कचौरी की शेप जो वो बनाते जाएं। और फिर ऐसे प्रेस करते जाइए उसको। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हाँ हमारी 7 कचौरी बन गई हैं। तो अब हम अपना तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं जब तेल गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, तो अब हम कचौरी जो है वो डालेंगे। हमने लो मीडियम हीट पर इसे रखा है, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो फ्रेंड्स हमारी कचौरी जो है वो बनकर रेडी है। तो ऐसे ही हम अपने दूसरे भी बैचेस ट्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी कचौरी कितनी यम्मी लग रही है। तो मिलते हैं इसकी सर्विंग के टाइम। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सारी कचौरी कितनी अच्छी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम सर्विंग इसकी करेंगे। और पहले आपको मैं दिखाऊंगी ये कैसे बनी है अंदर से। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। अब हम इसको अच्छे से प्लेट कर देंगे। और फिर हम आलू की सब्जी डालेंगे। अगर आपको ये खट्टे मीठे आलू की सब्जी की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपको जरूर बता के दिखाएंगे। और ये चटनी भी होममेड ही है, अगर आपको इनकी रेसिपी भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए कितनी यम्मी लग रही है। और हमारी चाय भी रेडी है, तो चलो
मजे करें। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हमारी कचौरी कितनी यम्मी बनी लग रही थी ना बाजार जैसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लव्ड वंस को बना के ये कचौरी ज़रूर खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।